सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे पाठ 9, जिसका नाम है गायों की गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब होता है सभा। जब कोई सभा लगती है तो आपस में जो लोग मिलजुल कर बैठ कर बात करते हैं, किसी चीज पर विचार विमर्श करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर, उसी को गोष्ठी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? गायों की गोष्ठी। आज हम लोग देखेंगे कि गाय आपस में बैठकर क्या बातचीत करती हैं, क्या एक दूसरे को बोल रही हैं, एक दूसरे की क्या शिकायत है, उनको उन पे क्या विचार विमर्श कर रही हैं। ये एक समय की बात है कि चारागाह में बहुत सी गायें एकत्र हुई। गायों के झुंड से पूरा चारागाह भर गया था। हरी हरी घास चरती, इधर उधर घूमती, रंभाती, जुगाली करती गायें बड़ी प्यारी लगती थी। जब पेट भर चुका तो सारी गायें आपस में घेरा बनाकर बैठ गईं, और उसमें से बूढ़ी सोना गाय उस दिन उदास बैठी थी। नीली से रहा नहीं गया, नीली गाय से जब रहा नहीं गया, नीली गाय से जब रहा नहीं गया तो वह बोली, क्या बात है मौसी, आज तुम बहुत उदास बैठी हो, बीमार हो क्या? तो सोना फिर सिर ऊपर उठाया। सारी गाय आपस में बातचीत बंद करके उसकी ओर देखने लगी। सोना ने कहने लगी, क्या बताऊं बच्चियों, क्या बोले सोना, क्या बताऊं बच्चियों, अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूं ना, मालिक को दूध भी नहीं दे पाती, दूध न देने के कारण अब मैं मालिक के लिए बेकार हो गई हूं, वे मुझे दुत्कारते रहते हैं, डर है कि कहीं किसी कसाई को न दे दें, मैं तो भगवान से हर पल बस अपनी मौत की कामना करती हूं। बहुत उदास बैठी थी ये गाय, और ये बात अपने मन की बात, दिल की बात दूसरे गायों से बोल रही थी। यह सुनकर काली गाय को बड़ा गुस्सा आया। वह अपने सींगों को जोर से हिलाती हुई बोली, ये मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते हैं, तुम्हारे मालिक के सारे बच्चे तुम्हारे ही दूध से पलकर बड़े हुए हैं, एक प्रकार से तुम उनकी माँ हुई, तुम पर अत्याचार करते हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। और वो बिल्कुल सही बोल रही थी, उस पर अत्याचार करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके जो सारे बच्चे थे इसी गाय के दूध से पलकर बड़े हुए थे, आप लोग भी दूध पीते हो। तो फिर पीली गाय क्या कहती है सुनिए। पीली गाय बोली, मैं तो एक बात पूछती हूँ कि क्या जब उनके माता पिता बूढ़े और अनुपयोगी, अनुपयोगी मतलब जिसका उपयोग नहीं होता, तो वे उन्हें भी किसी कसाई को पकड़वा देंगे क्या? यही तो सोचने की बात है। फिर एक श्यामा गाय थी वो बोली, तो फिर एक उसमें से श्वेता गाय थी वो बोली, मैंने सुना है हजारों वर्ष पहले भारत वर्ष के निवासी हमें माँ कहते थे, माँ के समान हमारी पूजा करते थे, हम पर हमारे बैल बछड़ों पर, हमारे बैल बछड़ों पर उनकी सारी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब कमाने का जो तरीका होता है वो आधारित उसी पर था, और गौ पालन और कृषि उनकी प्रमुख जीविका थी। ये कौन बोला, कौन गाय बोली? श्वेता गाय बोली। फिर काली गाय धीरे धीरे गर्दन हिलाकर बोली, मैंने उन्हें बछड़े को ये दुष्ट दूध न पीने देते। काली बोली, गर्दन हिलाकर क्या बोली काली, मेरे नन्हे बछड़े को ये दुष्ट दूध नहीं पीने देते, बछड़ा बेचारा रंभा कर रह जाता, बचा खुचा 10-12 बूंद भर दूध उसे मिल पाता है। फिर पीली गाय जो थी वो बोली, पीली गाय की क्या शिकायत थी? पीली गाय बोली, मेरा मालिक मुझे पेट भर कर खाना नहीं देता, बस हरदम यही कोशिश करते हैं
कि कैसे अधिक से अधिक दूध इसके थनों से निकाल लें। फिर नंदा ने कहा, पिछले सप्ताह मैं बीमार पड़ गई थी, पूरे 6 दिनों मैंने कुछ न खाया। मेरा मालिक तो यूं पुचकारता रहा, पर डॉक्टर नहीं बुलवाया। कोई जड़ी बूटी लाकर मुझे खिला देता। घर में कोई बीमार पड़ता है, क्या उसके लिए दवा नहीं लाते? फिर सोना कहने लगी, सभी के साथ कुछ न कुछ समस्या है ही। हम अपनी भाषा में आंखों में मौन भाव रख कर इन मनुष्यों से न जाने क्या क्या कहती हैं, पर लगता है मौन भावों को समझने में ये मनुष्य बिल्कुल असमर्थ हैं, या फिर ये समझकर भी नहीं समझना चाहते हैं। आभा ने गुस्से में भरकर खुरों को जमीन से खोदते हुए कहा, सुनो, मैं सुनाती हूँ इन मनुष्यों की निरसंस्था की प्रकाष्ठा। निरसंस्था की प्रकाष्ठा मतलब होता है वह सीमा जहाँ लोग अपनी दुष्ट प्रवृत्ति का अंत कर देते हैं, अंतिम सीमा जो होती है उसको बोलते हैं। ये मेरे नन्हे बछड़े की खाल से पर्स, सैंडल आदि फैशनेबल चीजें बनाते हैं। ओह, यह राक्षसी प्रवृत्ति अत्याचार की अति है। राक्षसी मतलब राक्षस वाली प्रवृत्ति। सभी गायें दुख से कराह कर एक साथ चिल्ला उठी। काली बोली, हमें इन मनुष्यों की भाषा आती तो उनसे कहते कि हम जीवन भर तो पूरी शक्ति से, पूरे मन से तुम्हारी सेवा करती रही। अपने बच्चों के हिस्से का दूध वह तुम्हारे बच्चों के लिए देती रही। अपने हिस्से का दूध तुम्हारे बच्चों के लिए देती रही। हमारा गोबर तक तो तुम्हारे लिए बेकार नहीं है, उससे तुम अच्छी खाद बनाते हो। कंडे बनाकर ईंधन का में काम, ईंधन के काम में लाते हो। कंडे बनाकर ईंधन के काम में, कंडे मतलब होता है गोबर का कंडा, जो कि जिससे कि जलावन तैयार होता है और जो जिसपे खाना बनता है। मर जाने पर हमारी खाल तुम्हारे काम आती है। फिर भी सबका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार न करो, हमें पेट भर खाना दो, हम पर डंडे न बरसाओ, दूध न देने पर भी हमारा पालन करो, हमारी पहली सेवाओं को याद करके हमें कसाई को न पकड़ाओ। तभी दूर बैठी ग्वाला बांसुरी बजाता गायों को घर चलने के लिए आ गया। सारी गायें उठकर अपनी अपनी ओर घर की ओर चल दी। इसीलिए कहा गया है हमारा देश जो है, हमारे देश में जो है गायों की पूजा होती है। गाय को हम माता के समान समझते हैं, और आप लोगों को भी गाय को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, कि गाय से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, और हमें गाय को माता के समान समझना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। इसमें क में है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है बूढ़ी सोना गाय उस दिन डैस बैठी थी। यहाँ है उदास प्रसन्न, इसमें होगा उदास। पूरे 6 दिन मैंने कुछ न डैस पिया, खाया यहाँ होगा खाया। मरने पर हमारी खाल तुम्हारे काम डैस है, क्या होगा यहाँ? इसमें होगा आती, नहीं आती, इसमें होगा आती। फिर ख में है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए। सभी गायों को अपने अपने मालिकों से शिकायत थी, यह सही है। दूसरा, गाय का दूध हम सभी के लिए माता के दूध के समान होता है, यह भी सही है। गाय का कार्य माता के समान है, परंतु हम उसके प्रति पुत्र की भावना नहीं रखते, ये भी सही है। गौ में है सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। पहला, सनातन धर्म में गाय को माना जाता है बहन, माता, पालन करने वाली, इसमें होगा माता। काली गाय का कहना था कि सोना गाय के मालिक के बच्चे उसका दूध पीकर ही
बड़े हुए थे उसके अनुसार एक प्रकार से वह उन बच्चों की माता थी, वी माता थी, गाय थी, माता थी। काली गाय गर्दन हिलाकर बोली, मेरे बछड़े को ये दुष्ट डैस मेरे पास नहीं आने देते, खूटे से नहीं बांधते, दूध नहीं पीने देते। इसमें होगा दूध नहीं पीने देते। इस तरह से आप लोग ये कॉपी में बनाइएगा।